Hey guys, welcome to my channel. I am Sunil and you are watching Sunil Prajapati Edits. And guys, editing start करने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहूँगा. Please, अगर आप अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किए तो please subscribe कर लीजिए and video को like कर दीजिए. And हाँ, अभी तक आप हमें Instagram में follow नहीं किए हैं तो please यार जाओ, link description में follow कर लो. Let's get started. And PicsArt को open करना है. देख सकते हैं गाइस, ये बैकग्राउंड है. आपको इस बैकग्राउंड या जितना भी इसमें PNG यूज होगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस. एंड इसमें फ़ोटो अपना ऐड कर ले रहा हूँ मैं, तो जाना है ऐड फोटो में ओके गाइस. एंड इस फ़ोटो को ले लेना है. एंड मैं पहले से इसका PNG बना के रखा था गाइस, पहले से मैं बैकग्राउंड इरेज कर लिया था. अगर आपको पता नहीं है कैसे बैकग्राउंड इरेज किया जाता है तो गाइस इस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिटेल में बनाया हूं गाइस. तो इसको एडजस्ट कर लेना है. ये फ़ोटो एडजस्ट हो चुका है, इसको यहाँ से डन कर देना है ओके गाइस. फिर से आना है एड फोटो में एंड PNG को ले लेना है ओके गाइस. तो एक इस PNG को लेना है नाइफ, और एक इस ब्लड वाला लेना है. एंड देख सकते हैं गाइस, तीनों PNG ले लिया. एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है ओके गाइस. एंड यहाँ पे स्टेप में एंड इसका ओपेसिटी कम कर देना गाइस, लगभग 84 ओके गाइस. फिर नाइफ को ले लेना है एंड यहाँ से क्लिक करके इधर कर देना गाइस, मतलब फ्लिप कर देना है, साइज को छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है स्टेप में ओके गाइस. एंड ये भी एडजस्ट हो चुका है. एंड इस वाला PNG को लेना है गाइस एंड साइज छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, थोड़ा सा रोटेट एंड यहाँ पे कुछ स्टेप में. एंड फोटो को जूम करके भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ओके गाइस. तो गाइस इतना होने के बाद यहाँ पे एंड इरेजर में आ जाना है एंड यहाँ से इसको इरेज कर देना है जो नाइफ पे आ रहा है ब्लड ओके गाइस. एंड ओपेसिटी को कम कर देना है, लगभग 38 रखना है एंड हल्का हल्का इरेज कर देना है ओके गाइस, ऐसा लगे कि वहाँ से निकल रहा है. एंड थोड़ा सा लगभग 13 रख के पूरा हल्का हल्का इरेज कर देना है ओके गाइस. एंड यहाँ पे इरेज करना है, ओपेसिटी को बढ़ा देना है, फुल कर देना है 100 एंड इरेज कर देना है ब्लड को जो हाथ के ऊपर आ रहा है, उंगली के ऊपर ओके गाइस. एंड हार्डनेस को भी बढ़ा लेना है, 90 कर देना है. ऐसा लगना चाहिए गाइस कि अंदर से ब्लड जा रहा है उंगली के अंदर से ओके गाइस. तो देख सकते हैं गाइस, ऐसे लग रहा है कि उंगली के अंदर में है ब्लड ओके गाइस. एंड यहां से डन कर देना है एंड देख सकते हैं गाइस पूरा PNG लग चुका है. एंड यहां से ओके कर देना है ओके गाइस. तो पूरा फोटो एडिट हो चुका है गाइस एंड लोगो लगा लेता हूँ मैं अपना फटाफट. एडिटिंग में एंड यहाँ से डन कर देना है गाइस. एंड गाइस हमें आना है ड्रॉ में एंड 3 डॉट एंड सेव इमेज ओके गाइस. इसको मैं लाइट रूम में ओपन करता हूँ ओके गाइस. एंड गाइस आप देख सकते हैं हम लाइट रूम में आ चुके हैं. तो यहाँ इसमें क्लिक करना है एंड हाईलाइट को कम कर देना है थोड़ा सा एंड शेडो को बढ़ा देना है 22 एंड वाइट को ज़्यादा नहीं बढ़ाना गाइस एंड 2 रखता हूँ मैं. एंड ब्लैक को भी कम कर देता हूँ, लगभग 20-21 रखा हूँ मैं ओके गाइस. एंड आ जाना है मैं नीचे कलर में एंड वाइब्रेंस को बढ़ा देना है, लगभग 15 रखा हूँ मैं. एंड रेड को मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा, 4 रखूंगा गाइस.
ऑरेंज में जाना है गाइस एंड सेचुरेशन को कम कर देना है -9 एंड लुमिनेंस को बढ़ा देना है 12 कर देना है और गाइस फेस में ग्लो आ जाएगा। एंड ब्लू टोन में जाना है, सेचुरेशन को प्लस कर देना है 37। ठीक है, देख सकते हैं गाइस ये मेरा शर्ट का कलर इथी कर रहा है, थोड़ा डार्क कर रहा है, तो मैं 34। ठीक है गाइस एंड इसमें आ जाना है एंड हल्का सा इसका 16 बढ़ा देना है सेचुरेशन। ओके गाइस एंड यहाँ से डन कर देना है। ओके गाइस एंड आ जाना है नीचे एंड क्लैरिटी को बढ़ा देना है 14 एंड फिर नीचे आ जाना है गाइस एंड शार्पनेस को भी बढ़ा देना है 10 एंड नोज को 5 कर देना है। ओके गाइस तो पूरा एडिटिंग हो चुका है गाइस, अब देख सकते हैं पहले ऐसे था फोटो और अब ऐसा है गाइस, तो देख सकते हैं। एंड यहाँ से 3 डॉट में जाके फ़ोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना है। ओके गाइस तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।